कृषि क्षेत्र में अब नए नए तकनीकी का समावेश हो रहा है। सरकार भी तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, इसीलिए कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप अब तेजी से कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऐसा ही एक समागम हुआ जिसमें स्टार्टअप, एफपीओ और फार्मर तीनों एक ही मंच पर दिखाई दिए। इस समागम में सबसे खास बात यह है कि अलग अलग तरह के स्टार्टअप ने अपनी नई तकनीकियों का ज्ञान दिया, ऐसी उनकी तकनीकियों का कैसे लाभ उठा सके इस पे भी बात की। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नार हैदराबाद में है, उसमें एक इंक्यूबेशन सेंटर है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, उसका नाम ए आई इंडिया पड़ता है। और 2014 में उसको स्टार्ट कर दिया, अभी तक 250 स्टार्टअप्स को उन्होंने मदद किया। हम लोग एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स हम काम कर रहे हैं, प्रिसिशन फार्मिंग, आईओटी एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, फिशरीज, डेयरी में क्या चैलेंजेस है, पोल्ट्री में क्या चैलेंजेस है, उसका स्टार्टअप्स को आइडिया लेके उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेके आ रहा है ना, उनको हम लोग मदद कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट प्रो आइडिया टू प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, उसके बाद प्रोटोटाइप से उनको मल्टीपल अपस्केलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी हम दोनों मदद कर रहे हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नबार्ड, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर पूरा उसके साथ में, हमारा कृषि विज्ञानिक के साथ में ये हम लोग इसको ये सभी स्टार्टअप को मदद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। और मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि ये भारत सरकार बहुत ही आप कहिए एक्शन मोड में है कि कैसे जो है हम कृषि में लागत घटाएं और उपज बढ़ाएं। किसान की आमदनी जब तक बढ़ेगी नहीं, हम अपने आप को अगली सदी में नहीं ले जा सकते। और ये किसान ही है जो किसानी के द्वारा ही हम सशक्त होकर के एक डेवलप नेशन के रूप में जो है आज जो है विश्व के सामने आएंगे। तो इसको लेकर के मोदी सरकार और यहाँ पे जो है योगी सरकार इतनी योजनाएं लेके आ रही है कि हमारे पास जो है नित नए हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हम जिसके लिए डेवलप कर रहे हैं उसको पता ही नहीं है। तो इसलिए हमने आज यहाँ पे ये एक जो है अपने आप में एक ये अनूठा कार्यक्रम जो है हमने शुरू किया है कि हमारा जो टेक्नोलॉजी देने वाला साइंटिस्ट है वो भी यहाँ उपलब्ध है, जो इस टेक्नोलॉजी को ले करके जो एंटरप्रेनर या स्टार्टअप जो इसको बना रहा है वो भी उपलब्ध है, और जो किसान इसका इस्तेमाल करना चाहता है वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो इन तीनों का जो है बहुत बढ़िया संगम जो है हमने यहाँ पे जो है लखनऊ में शुरुआत की है, और ये आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसके माध्यम से फ़ायदा ये होगा कि अब किसान जो है अपनी समस्याएँ डिस्कस कर सकता है, उस मशीन को ले करके डिस्कस कर सकता है कि ये मशीन मेरे खेत में कैसे काम करेगी, ये मशीन मेरे फसल पे कैसे काम करेगी, और ज़रूरत पड़ी तो ये स्टार्टअप्स मशीन का डेमोंस्ट्रेशन भी जो है हमारे संस्थान में आकर के इन किसानों के लिए करने को तैयार होंगे। और हमारे साथ नाबार्ड जुड़ गया है, हमारे साथ सिड भी जुड़ गया है, हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं कि अगर फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़े तो भी जो है ये संस्थाएं एफपीओस को और भी दूसरे संस्था को ये लोन के माध्यम से भी ये हमारे कृषि के आधुनिक यंत्र उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि हमारा किसान की आय बढ़ सके, किसान ज़्यादा समृद्ध हो सके और ये भारत को समृद्ध करने में एक अहम भूमिका निभाए। सबसे बड़ी बात ये है कि किसानों की फसल लागत को कम करके उनके उत्पादन को बढ़ाना, उनकी आय को बढ़ाना और यहाँ तक कि उनकी कई और समस्याओं को कम करना, जैसे में लेबर की समस्या है या कम पानी में अच्छी कैसी खेती करें, कम फर्टिलाइज़र और कम पेस्टिसाइड के कैसे उपयोग से अपनी खेती को अच्छा करें, इस तरह के प्रयोग स्टार्टअप के द्वारा किए गए हैं और जिसका लाभ किसानों को आने वाले समय में मिलने लगेगा। एग्री उड़ान नाम से इस समागम का आयोजन उत्तर प्रदेश के केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान
में किया गया है और जिसमें काफ़ी ज़्यादा किसानों और FPO ने हिस्सा लिया है। हरमेन सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिसकी प्राथमिकता पर किसान है और सरकार की कोशिश है किसानों को एक साथ लाना, उन्हें खेतों में सिर्फ अन्न उपजाने वाले किसान से एक कदम आगे ले जाना, किसानों को ही उत्पादक बनाना और एक ऐसी योजना से जोड़ना जिसका नाम है कृषक उत्पादन संगठन यानी FPO। यूपी सरकार ने 29 सितंबर 2020 को FPO नीति लागू की जिसमें हर ब्लॉक में एक FPO बनाने का प्रावधान किया गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम ये है कि अब तक प्रदेश में 1200 से ज्यादा FPO तैयार हो चुके हैं। सही मायने में अगर आप एक FPO के बारे में समझें तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसान को अपने ही उत्पाद को विभिन्न लोगों तक पहुंचाना। ये उसका एक सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है जो कि अभी तक आढ़तिये या और बिचौलिए कर रहे थे, तो शायद अब वो FPOs मेन स्ट्रीम में आके उस भूमिका को भी निभाएंगे और किसानों को डायरेक्टली उसका फायदा मिलेगा। कृषक उत्पादन संगठन कुछ और नहीं बल्कि किसानों का ही स्वयं सहायता समूह है जिसमें 10 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी के साथ किसानों को जोड़ते हैं। एक FPO को मैदानी इलाकों में 300 और पर्वतीय इलाकों में 100 से ज्यादा सदस्य बनाने होते हैं और 3 साल तक प्रदेश सरकार FPO की मदद करती है। शर्तें पूरी करने पर 15 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। सरकार ने सोचा कि यहाँ क्यों ना एक FPO बनाए। उद्यान विभाग के सहयोग से यहाँ पे एक FPO का गठन किया गया और FPO के माध्यम से जब किसान जुड़े और उन्होंने खेती तुलसी की तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो माल लेने आई। इसके पहले ये था कि किसान करते तो थे और मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम थी। जब सामूहिक रूप से खेती शुरू हुई, विभाग का सहयोग रहा, उद्यान विभाग का सपोर्ट रहा और किसान यहाँ पर तुलसी की खेती बहुत आयात में करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि जो FPO है इसमें हमारे FPO में करीब 1070 किसान जुड़ चुके हैं और ये 1070 किसान हैं, ये बुंदेलखंड का जो एरिया है इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है और तुलसी की जो खेती है वो लगभग 3000 एकड़ में कर रहे हैं। इन FPO का ही एक उदाहरण है आगरा की दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी। ये कंपनी सैकड़ों किसानों को अपने साथ जोड़कर बीज तैयार कर रही है। आज हमें खुशी होती है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों की एक योजना थी जिसमें कि सीड को बढ़ावा देना था और आज हम लोग जिस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में खड़े हैं वो भी इसी कंपनी का एक प्रकल्प है जो कि अब किसानों को बेटर क्वालिटी सीड्स मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ा है। जो भी किसान इस संगठन की शक्ति को समझते हैं उनके लिए यूपी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर FPO स्कीम की पूरी जानकारी दे रखी है जिस पर प्रदेश के किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सरकार से सहयोग लेते हैं। दरअसल संगठन की इस शक्ति को समझकर आज किसान आगे बढ़ रहे हैं, बाजार को अपने पास आने के लिए बाध्य कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं।